दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट आने के साथ ही स्टूडेंट्स में जो कैंडिडेट फॉर्म में बहुत ही लगी है कि कॉलेज जाना है, कॉलेज का जो सपना होता है हर बच्चे का होता है कि हमें कॉलेज जाना है, लेकिन इस कोविड-19 जैसी महामारी ने उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजन बनी हुई है कि आखिर इस साल कॉलेज जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ऐसे में कुशेत्रा यूनिवर्सिटी की ओर से जो गाइडलाइन दी गई थी कि 15 तारीख से जो है ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स की जो बात आ रही है कि जो ऑनलाइन पोर्टल है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और वो एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। और इसी के साथ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की हम बात करें ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्लासेस आखिरकार कब से शुरू होगी, क्योंकि अभी ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इस साल उन लोगों के एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होंगे और जो भी उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है उनको आगे क्लास में बिठा दिया जाएगा। तो यही चीज़ को जानने के लिए जो हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं वो है IPPG कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय गर्ग, और अब हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं इस समय वे सभी से इंतजार कर रहे हैं कि कॉलेज शुरू होंगे, वो एडमिशन लेना चाहती हैं, तो अब आने वाला समय उनके लिए किस तरह का है और उन्हें कैसे इस टाइम को मैनेज करना है ये बताएंगे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अरे IPPG कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय गर्ग। नमस्कार जी। नमस्कार सर। इस वक्त आपने सुना मैंने बात की कि जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनका जो एडमिशन हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से तो गाइडलाइन दी गई थी अभी हाल ही में कि 15 तारीख से जो है ऑनलाइन वेब पोर्टल जो है वो शुरू हो जाएगा, बट वो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स ऐसे में क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जिन बच्चों ने इस साल टेंथ पास किया है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस कोविड-19 के जो पैंडमिक पूरे देश में ही बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है उसके कारण अब की बार कुछ जो प्रोसीजर है, जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंजेज है, और उस चेंजेज में एक्चुअली हमारे यहाँ हरियाणा में जो एडमिशन होते हैं वो डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर पहले बच्चे को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट की उस पोर्टल से ही अलग अलग कॉलेजेस के लिए मेरिट लिस्ट बन के आती है, और जिस बच्चे का जिस कॉलेज में मेरिट में नाम आ जाता है वो बच्चा वहाँ जाके एडमिशन ले सकता है। इस वर्ष पहले जो लॉकडाउन हुए, फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के चलते चलते हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन हैं 31 जुलाई तक हरियाणा के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूल को बंद किया गया। इसी दौरान बीच में ये गाइडलाइन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में ये बोला गया कि 15 जुलाई से एडमिशन शुरू करके 31 जुलाई तक एडमिशन पूरे करने हैं, लेकिन क्योंकि एडमिशन कॉलेज में आजकल फिजिकल नहीं होते, एडमिशन गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू होते हैं और गवर्नमेंट का पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 अनसर्टेन है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कब तक बढ़ेगा और उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये निश्चित है बच्चों का साल खराब नहीं होगा, थोड़ा डिले हो सकता है, एडमिशन होंगे। और मैं IB कॉलेज की यदि बात करूँ, IB कॉलेज के अंदर हमने बच्चों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, एक साथ में काउंसलिंग की टीम यहाँ पर रखी हुई है, कोई भी विद्यार्थी किसी भी वर्किंग डे में सुबह 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक कॉलेज में आके कोई भी यदि कोई उसकी क्वेरी है किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए अच्छा रहेगा या उसकी अपनी कोई च्वाइस है वो यदि डिस्कस करना चाहता है तो हमारे टीचर्स यहाँ पर 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, पेरेंट्स आना चाहे, लेकिन उन सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी कॉलेज आएँ कृपया मुंह पर मास्क लगा के आएँ, कॉलेज में जैसे ही वो एंटर करेंगे यहाँ पे थर्मल स्कैनर से उनकी स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज करवाए जाएंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, वो सब कुछ हमने आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की हुई है, सिर्फ बच्चों को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं जहाँ तक IB कॉलेज की बात करूँ, पिछले एक वर्ष के अंदर हमने हमारे यहाँ से 130 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, कॉलेज के अंदर 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मेरिट में स्थान पाया है। सो अब मैं इसकी बात करूँ, जो 3 महीने लॉकडाउन रहा, इस 3 महीने के लॉकडाउन के अंदर कॉलेज ने 8 वेबिनार आयोजित किए हैं, 27 नेशनल लेवल के कंपटीशन आयोजित किए हैं, और मेरे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज के 112 विद्यार्थियों ने नेशनल और स्टेट लेवल के जो कंपटीशन इन 3 महीने के अंदर हुए उसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजिशन अचीव की है। इसी तरह से कॉलेज के अंदर ब्लड डोनेशन की बात की जाए, ब्लड डोनेशन कैंप या इंटर कॉलेज जो भी इवेंट्स हैं पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं, गरीब बच्चों के लिए
लेकिन जो डिजर्विंग है गरीब बच्चों के लिए कॉलेज के अंदर मेरिट का हमने यहाँ पर मेरिट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन रखा हुआ है। जो भी विद्यार्थी एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे उनको कॉलेज ऑनर करेगा, उनको यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाएगा। कॉलेज से लाइब्रेरी बुक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है जो बच्चे, उसके अलावा जो बच्चे फादरलेस हैं या किसी कारण से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कॉलेज मैनेजमेंट विशेष ध्यान रखती है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईबी कॉलेज के अंदर सबका स्वागत है। जो भी पेरेंट्स जो भी बच्चे यहाँ पर किसी क्वेरी के लिए आना चाहते हैं क्वेरी के लिए आए। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ कॉलेज के अंदर बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल कंप्यूटर साइंस ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम सिंपल और बीकॉम वोकेशनल ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। बीए में लगभग सभी सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। बीए इंग्लिश ऑनर्स में हमारे पास अवेलेबल है। एमकॉम एमए इंग्लिश एमए हिंदी और एमएससी मैथमेटिक्स के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा बीसीए बीबीए के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। जो भी विद्यार्थी यहाँ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और कॉलेज वर्किंग डे में मैं प्रिंसिपल डॉक्टर अजय गर्ग बोल रहा हूँ, 6 के 6 दिन में कॉलेज में अवेलेबल होता हूँ। कोई भी पेरेंट्स कोई भी बच्चा यदि किसी तरह की कोई डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं वी आर एट देयर डिस्पोजल, उनका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से फर्स्ट ईयर में अबकी बार अपीयर हुए हैं, सेकेंड ईयर में जो अपीयर हुए हैं उनको रिस्पेक्टिव नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट वो कर दिए जाएंगे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं और जैसे ही उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोट होने के बाद अभी ऐसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी और कॉलेज के अंदर हमने ऑनलाइन क्लासेस की पूरी व्यवस्था की है। जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रूम चाहिए इक्विपमेंट चाहिए वो सब हमने अरेंज कर दिया और हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है ऑनलाइन क्लासेस के लिए ताकि हमारे बच्चे किसी भी तरह सफर ना करें। इसके अलावा ये जो बच्चा हमारे यहाँ एनरोल्ड होगा आईबी कॉलेज में, जो भी बच्चे सेकेंड ईयर या फाइनल में पढ़ रहे होंगे उनको जैसी भी लाइब्रेरी व्यवस्था चाहिएगी वो बिल्कुल कॉलेज उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑनलाइन हमारे पास ई बुक्स भी अवेलेबल है और यदि कोई बच्चा फिजिकल बुक्स भी लेना चाहेगा उनका बिल्कुल स्वागत होगा, उनको वो व्यवस्था दी जाएगी, वो फैसिलिटी उनको दी जाएगी। कॉलेज के अंदर देखिए दो हॉल है हमारे पास, उस दो हॉल के अंदर गवर्नमेंट की व्यवस्था के अनुसार जैसा सरकार के आदेश होंगे उन सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए एट ए टाइम 10 बच्चे 15 बच्चे 20 बच्चे यदि एक हॉल में बैठ के फिजिकल डिस्टेंसिंग से पढ़ना चाहेंगे हमें कोई इशू नहीं है। परमिशन सरकार की, यदि सरकार ने हमें ये परमिट कर दिया कि आप कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को अलाउ कीजिए तो वो व्यवस्था हम मेंटेन करेंगे। तो जो लोगों के सवाल थे कि कॉलेज की लाइब्रेरी कब शुरू होगी और वो लाइब्रेरी कैसे स्टडी करने जा सकते हैं, तो अभी डॉक्टर अजय गर्ग ने हमें बताया कि ये गवर्नमेंट की परमिशन के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट उनको इस चीज़ के लिए परमिशन देती है तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कोविड-19 की जितने भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस दी गई हैं उनको उनकी एहतियात बरतते हुए जो है जो लाइब्रेरी है वो खोल दी जाएगी और स्टूडेंट्स उसमें बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। इसी के साथ अभी डॉक्टर अजय गर्ग ने हमें बताया कि यहाँ पर सभी कोर्सेज जो है अवेलेबल है और सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने कोर्सेज के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कुशेत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जरूर गाइडलाइन आई है कि 15 तारीख से जो है वेब पोर्टल खुल जाने थे लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से ऐसी गाइडलाइन नहीं आई थी, इसी वजह से अभी तक जो ऑनलाइन वेब पोर्टल्स है वो ओपन नहीं हुआ है, वो शुरू नहीं हुआ है। तो सभी स्टूडेंट से यही अपील है हरियाणा रिपब्लिक की ओर से भी, टेंशन पानीपत की ओर से भी कि अभी ज़्यादा पैनिक ना हो, आपका जो टाइम है वो खराब नहीं जाएगा और गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी की ओर से कॉलेज की ओर से सभी स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। बने रहिए टाइम जो पानीपत के साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।